अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नूरुल हुदा एंड आई एम विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत होंगे। सो गाइस, आज जो है मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। और बिकॉज आज के दिन जो है वो आशूर भी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ एक रेसिपी ज़रूर मैं शेयर करूँ। तो ये है कि ये थोड़ी सी आप इसको रफ़ रेसिपी कह सकते हैं, बिकॉज़ मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली शो नहीं कराए, लेकिन मैं आप सबको वन बाय वन बताती रहूँगी। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, हमने लिया है तकरीबन 6 से 7 लीटर पानी, ठीक है। 7 लीटर पानी के बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है 3 kg चिकन। सबसे पहले हम लोग इसकी यखनी तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता रही हूँ। यहाँ पर हमने लिया है जी 5 खाने के चमचे नमक, 5 खाने के चमचे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है, 2 खाने के चमचे लौंग, 2 खाने के चमचे सौंफ, 2 खाने के चमचे हमने यहाँ पर लिया है साबुत काली मिर्चें, 3 हमने ली हैं जी दालचीनी की स्टिक्स, 10 हमने ली हैं काली जो बड़ी इलायची होती है, 5 अदद हमने लिए हैं बादियान के फूल, 3 हमने जो है 3 खाने के चमचे लिए हैं गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है जी 1 खाने का चमचा जायफल जावित्री पाउडर, और साथ ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी है बसल यानी के ऑनियन, बिल्कुल मोटी मोटी कटी हुई, बिकॉज हमने इसको बॉईल करना है तो इसका कोई इशू नहीं है। बस आप ये इसके अंदर ऐड कर दें और आपने जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मेरे पास जो है ना 20 अदद जो है हमने यहाँ पर ली थी जी हरी इलायची, ठीक है, और साथ जहाँ पर ये देखें जायफल जावित्री का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है, दैट्स इट। अब ये अच्छे तरीके से जो है ना बॉईल होगी, ठीक है। बॉईल करने के बाद जो है ना मैं आपको चावलों की क्वांटिटी बता देती हूँ, 3 किलो राइस लिए हैं, ठीक है, यानी कि टोटल जो है ये आप अंदाज़ा लगा लें 6 किलो माशाल्लाह से जो है ये पुलाव हमारा तैयार हुआ था, ठीक है। बासमती राइस मैंने लिए हैं, इनको हमने भिगो देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, इनको भिगो देंगे। और ये देखें यहाँ पर यखनी जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, 7 लीटर में से आप इसका अंदाज़ा लगा लें ये 6 लीटर जो है ना यखनी रह गई है, ठीक है। तो इसमें से ना हमने कर लेना है ये जो हमारी जो चिकन है ना इसको हम अलग कर लेंगे, अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और अब हम आ जाते हैं हमने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम मैंने यहाँ पर जो है ले लिया है जी घी, ठीक है, देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने देसी घी इस्तेमाल करा है ताकि जो एग्जैक्ट एक जो एक अथेंटिक पंजाबी पुलाव या वाइट बिरयानी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं ना उसमें जो देसी घी है वो मेन जो है ना वो इंग्रेडिएंट होता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर इसको देसी घी में बनाइएगा, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप बेशक ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 kg। अच्छा जी, इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है जी 5 अदद बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई प्याज, ठीक है, स्लाइसिस में, और आपने जो है ना इसको गोल्डन फ्राई करना है, ठीक है, आपने इनको ब्राउन नहीं करना, आपने इसको लाल नहीं करना, आपने जो है ना इसको लाइट गोल्डन सा आपने इसको कलर दे देना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती भी रहूँगी। और ये जो है माशाल्लाह से काफ़ी मज़े का बना था, आप लोग इसको इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और ये है कि मतलब कि जो एक अथेंटिक आप कह लें कि जो बिल्कुल एक ओरिजिनल पंजाबी पुलाव की जो रेसिपी होती है ना वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना पसंद किया जाता है पंजाब में स्पेशली। तो अब आप लोग देख लें प्याज का कलर, ये देखें प्याज का कलर ऑलमोस्ट वैसा मतलब कि जिस तरह हमें चाहिए, ज़रा सा ये है इसके अंदर, इसको हम मज़ीद मिक्स करेंगे तो ये कलर जो है ना इसके अंदर मतलब तब्दील हो जाएगा। अभी इसको मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। एज़ यू कैन सी प्याज का कलर हमारा अच्छा सा गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 खाने के चमचे हरी मिर्च का पेस्ट, 5 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक हो गया। और इसके अंदर साथ ही हमने डाल दिया है जी 1/2 कप पानी ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए, और इसको हमने जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है जी 2 खाने के चमचे भर के नमक, और 2 खाने के चमचे हमारे पास भर के है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और 3 खाने के चमचे हमारे पास है जी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही इसके अंदर जो है ना हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1 चाय का चमचा,
एक चाय का चम्मच यानी कि 1 टीस्पून हमने लिया है साबुत काली मिर्च, ठीक है। और इसके बाद ना आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। मसाले डालें पहले, मसाले डाल के चिकन उसके अंदर ऐड कर दें जो हमने अलग किया था यखनी में से। आप इसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पहले भून लें, ठीक है। लहसुन और प्याज को अच्छे तरीके से आपने चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। एंड देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 kg दही, ठीक है। आपने दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, उसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप इसको हाई फ्लेम पे डालें और फ्राई कर लें, ठीक है। आपने इसको जो है ना तब तक फ्राई कर लेना है चिकन और मतलब के मसाले को, जब तक ये दही का पानी ना अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, ठीक है। ये देखें भी आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी है, तो इसके अंदर पानी नहीं नज़र आना चाहिए। अब ये जैसे ही अच्छे से फ्राई होगा ना, इसके अंदर हम डाल देंगे 5 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाता है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको जिस तरीके से मतलब के आपने कट करना है आप कर सकते हैं, मोटा छोटा जिस तरह भी आप चाहें, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से ना इसके अंदर फ्राई कर लेना है, ठीक है। दही का पानी खुश्क हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पका लें, और अच्छे तरीके से कुक करने के बाद जो है ना आपने ये है कि इसके अंदर आप हरी मिर्च डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नमक भी जो हमने लिया है, टोटल 7 चम्मच इसमें नमक गया था, ठीक है। और आप लोग इसको ना नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जैसा मतलब हल्का, तेज़ या दरमियाना, जिस तरह का भी नमक अच्छा लगता है आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके जी, तो अब आप देख लें दही, टमाटर, सारा कुछ जो इसके अंदर लिक्विड था ना, वो सारा कुछ इसके अंदर ड्राई हो चुका है, अच्छे से ये खुश्क हो चुका है। और जो आप लिक्विड देख रहे हैं ये सारा घी ऊपर आ गया, इसको बस अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है लास्ट टाइम। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम 5 लीटर यखनी, ठीक है। 5 लीटर यखनी ऐड करेंगे हम 3 किलो चावल में। और ये है कि इसको ना आपने बस एक बॉयल आने देना है, ठीक है। जब आप इसके अंदर डाल दें, आपने इसके अंदर एक बॉयल आने देना है अच्छा सा, ठीक है, यानी कि जोश आने देना है। जैसे ही इसके अंदर जोश आ जाएगा, सिर्फ एक जोश की नीड है ज़रा सा आ जाए, तो उसके बाद ना हम इसमें जो है 3 किलो 1 घंटा भीगे हुए डाल देंगे बासमती राइस, ठीक है। और ये बस इसके अंदर आप ऐड कर दें। और ये है कि बस इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जो हरी मिर्चें आपने एंड पर डाली ना, वो सिर्फ आपने डाल के 1.5 मिनट, टोटल 1 मिनट 30 सेकेंड आपने जो है ना इसको भूनना है। आपने 5-6 मिनट पहले नहीं ऐड करनी, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो हरी मिर्चों का जो आगे से जो उनका जो टॉप होता है ना वो खुल जाएगा। अगर वो खुल गया तो पानी में जाके ना ये होगा कि उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये कि आपने ना हरी मिर्चों को मतलब सॉफ़्ट नहीं करना बिल्कुल, अगर वो सॉफ़्ट हो जाएंगी ना तो सारा टेस्ट मतलब कि ख़राब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने, क्योंकि ये होता है ना कि किसी को मतलब, ये हमने जो ऐड किया है इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह, इसकी वजह से इसमें स्पाइस नहीं आई थी। आपने हरी मिर्चें जो इसके अंदर डालनी है ना, वो आपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, यानी कि अगर किसी को स्पाइस पसंद है वो हरी मिर्च ले अलग से अपनी प्लेट के अंदर जो है ना, उसका पल्प निकाल के वो चावल में ऐड करके उसको खा सकता है। तो ये हमने पुलाव इसलिए बनाया ताकि हर कोई मतलब छोटा बड़ा हर कोई इसको खा सके, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते और बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते। जिनको स्पाइस पसंद है वो अपनी प्लेट में जो है ना हरी मिर्च ऐड करें, उसका पल्प निकालें और मज़े लेके खा सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग देख लें तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर जो है ना इसका पानी आपने ना ड्राई कर लेना है, ठीक है। सारा ये पानी इसका ड्राई हो गया, बस आप इसको एक दफ़ा क्या करना है, आप लाजमी इस तरीके से ना नीचे एक कोई तवा टाइप का कुछ आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टीन का इस्तेमाल करा है, जो टीन होती है ना, टीन जैसे ये टिन कैंस वगैरह होते पाइन एप्पल के, वो उनको मैंने कट करके तो वो यूज़ किए थे। अच्छा जी, आपने इसको दम लगाना है कितनी देर तक, तकरीबन 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे का आपने इसको दम लगा देना है अच्छा सा, ठीक है। और ये जो आप रंग देख रहे हैं ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया था, 1/4 कप यानी कि 1/4 कप, 1/4 कप मैंने यहाँ पर जो है ना मिल्क लिया था, उसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून आधा चाय का चम्मच जो इलायची पाउडर होता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका खुशबू जो है ना, उसका अरोमा वो बहुत ज़बरदस्त आता है। बस आप वो उसके अंदर ऐड करें, जर्दे का रंग ऐड करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। और उसके ऊपर आपने इसको ऐड करके 5 मिनट का मज़ीद दम लगा देना है, टोटल 35 मिनट, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, टोटल 35 मिनट के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं,
डिस्पोजेबल बॉक्सेस में, और ये जो है जो आप देख रहे हैं स्मॉल बॉक्सेस, ये जो है हमारे यहाँ नेबर्स की तरफ गए थे, बिकॉज नेबर्स में इतना मतलब वो नहीं है, फैमिली बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। बाद में जो आप लोग देख रहे हैं ना थोड़े से जो बिग बॉक्सेस हैं, वो गया था एक मेरे चाचू के घर, मेरे जो बाबा के फ्रेंड हैं बहुत क्लोज़ वो, और एक गया था मेरी कज़न सिस्टर के घर। तो अब आप लोग देख लें अच्छे तरीके से, हमने ना इसको कर लेना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको जो है हमने भिजवा दिया था नेबर्स में भी, बिकॉज़ हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, बहुत कम, जैसे एक होता है ना मतलब बहुत कम जानले वाले, ज़्यादा नहीं है। तो बस ये इसके अंदर हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग स्लैश रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू आए हैं, बेल आइकन को क्लिक करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and share with your friends. Also subscribe to my channel Noor's Kitchen and Fashion Tips. And let me know in the comment section, did you guys like my new style? See you guys in the next video. Till then, take care, bye bye.